ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर क्यों है मेकर्स को प्रभास पर भरोसा? कितना बड़ा है फिल्म का बजट? कितने और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं प्रभास? हेलो दोस्तों, अब जैसे हमारे देश की महंगाई बढ़ रही है, वैसे ही हमारे फिल्मी इंडस्ट्री के सितारों की फीस की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। फिर चाहे वो कोई भी हो, बॉलीवुड स्टार हो या साउथ स्टार। आज हम ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिल्म आदि पुरुष के लिए प्रभास को इतनी फीस दी गई है जो शायद आपके होश उड़ा दे। मैंने तो अभी तक किसी एक्टर को इतनी फीस डिमांड करते हुए कभी नहीं देखा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रभास को फिल्म आदि पुरुष के लिए 150 करोड़ रुपए जैसी मोटी रकम मिली है। ये पहली बार होगा कि किसी इंडियन एक्टर को एक फिल्म के लिए इतनी बड़ी फीस दी जा रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या मेकर्स को भी कोई दिक्कत नहीं हुई प्रभास की इतनी बड़ी डिमांड मानने में? यहाँ बात ऐसी है कि मेकर्स को एक ऐसा एक्टर चाहिए जो लोगों के बीच फेमस हो, और हर कोई जानता है कि प्रभास इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं है। मेकर्स ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो जितना अभी खर्च कर रहे हैं उन्हें फिल्म के रिलीज होने के बाद वो जरूर वापस मिलेगा। इसी विश्वास के साथ उन्होंने प्रभास की इतनी ऊंची फीस की डिमांड को अपना लिया। प्रभास की डिमांड ज्यादा होने का सबसे बड़ी वजह है उनकी दोनों बाहुबली फिल्म। इस फिल्म के बाद से ही बाहुबली की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी। इंडस्ट्री में उनका नाम ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी बना। आज तक किसी तेलुगु स्टार को यहाँ तक पहुँचते हुए नहीं देखा गया है जहाँ प्रभास है। और तेलुगु ही क्यों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के ही किसी एक्टर ने आज तक इतनी फीस ना ही डिमांड की और ना ही उन्हें ऑफर की गई। शाहरुख खान और सलमान खान जैसे एक्टर भी फिल्म के लिए 80-90 करोड़ तक ही चार्ज करते हैं। वैसे बाहुबली फिल्म के बाद प्रभास की फिल्म साहू ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया था, लेकिन उससे उनके फैन फॉलोइंग में कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा। और फिल्म के फ्लॉप होने के बावजूद भी प्रभास ने बड़ी फिल्मों को साइन करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। बाहुबली अभी हाल ही में कुछ ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जिनका बजट भी कुछ कम नहीं है, जिनमें राधे श्याम 350 करोड़ के साथ और प्रभास 250 करोड़ के बजट के साथ शामिल है। वहीं आदि पुरुष 500 करोड़ जैसे बड़े बजट के साथ बनाई जा रही है। फिल्म आदि पुरुष को हिंदी के अलावा कई और भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि मेगा बजट फिल्म को भूषण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं इस फिल्म को तानाजी फेम डायरेक्टर ओम राउत बना रहे हैं। हर किसी को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म में कृति सैनन जहां सीता माँ यानी कि जानकी के रोल में नजर आने वाली है, तो वहीं प्रभु राम का किरदार बाहुबली फेम प्रभास प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म को अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज किया जाएगा। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को प्रभास और कृति की फिल्म का कितना इंतजार है, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटके सुनने को कैसे मिलेगा। और भी सारी अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय, टेक केयर।